अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट लाउंज। आज की वीडियो में हम जिस बारे में बात करेंगे वो है क्वारंटाइन के इस वक्त में बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम पे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्क्रीन टाइम होता क्या है। स्क्रीन टाइम एक ऐसी टर्म है जो कि उन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसमें आपका टाइम स्क्रीन के सामने गुजरता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपका स्क्रीन से सामना होता है। मसलन टीवी देखना, कंप्यूटर पर ज़्यादा देर तक काम करना या वीडियो गेम्स खेलना। ये एक ऐसी सेडेंटरी एक्टिविटी है जिसमें आपकी जिस्मानी यानी कि फ़िज़िकल एनर्जी बहुत कम इस्तेमाल होती है। अब बात कर लेते हैं स्क्रीन टाइम और क्वारंटाइन के ताल्लुक की। क्वारंटाइन के इस वक्त में जहां बच्चों और टीनएजर्स यानी कि नौ उम्र बच्चों के स्कूल के जिम्मेदारियों में कमी आई है, वहीं उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी गैर निसाबी सरगर्मियों और सोशल अपॉर्चुनिटीज़ में भी वाज़े कमी आई है। ऑनलाइन स्कूलिंग स्टार्ट होने के बाद बच्चे अपने ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर स्क्रीन के आगे गुजारते हैं और ज़्यादातर वालदैन भी बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए उनके स्क्रीन टाइम रूल्स को रिलैक्स कर देते हैं। हाल ही में क्वारंटाइन के इस वक्त में बच्चों में बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम को स्टडी करने के लिए एक सर्वे किया गया। ये सर्वे इंडिया में 5 से 15 साल के बच्चों के वालदैन के साथ किया गया ताकि बच्चों में बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम और वालदैन में उसके मुतलिक आगही और उससे निमटने के मुतलिक तरीकों को जाना जा सके। इस सर्वे में ये सामने आया कि 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में स्क्रीन टाइमिंग 100% तक बढ़ चुकी है। 84% वालदैन ऐसे हैं जो कि इस पेंडेमिक में बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग से काफ़ी परेशान हैं। 54% वालदैन का ये कहना है कि इनके बच्चे आम तौर से 5 घंटे ज़्यादा स्क्रीन के सामने गुजारते हैं। 57% वालदैन का ये भी कहना है कि बच्चे पढ़ाई का बहाना करते हुए नॉन एजुकेशनल या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं, ज़्यादा वक्त सर्व करते हैं और कुछ इस तरह के फैक्ट्स ही टीनेजर के मुतालिक भी सामने आए हैं। अब बात कर लेते हैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम से होने वाले नुकसानात की। ये हमारी सेहतमंदाना आदतों जैसे कि जिस्मानी हरकत वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कम या ख़त्म कर देता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। इससे इंसान की फोकस करने की एबिलिटी भी मुतासर होती है। इसके अलावा समाजी यानी सोशली भी इंसान की ज़िंदगी इसके असर में आती है। मसलन फैमिली और दोस्तों में बातचीत और ताल्लुक में कमी वाज़े होती है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए दूसरे कामों की निस्बत तरजीह यानी कि प्रायोरिटी बन जाता है, मसलन खाना खाना, पर्सनल हाइजीन और एक्सरसाइज वगैरह। ये बच्चों के मूड पे भी वाज़े तौर पर असरअंदाज होता है। मसलन एबिलिटी टू कंट्रोल आउटबर्स्ट यानी कि गुस्से पे काबू पाना। ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग के हवाले से वालदैन में एक बड़ा कंसर्न ये भी पाया जाता है कि ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने गुजारने से बच्चों की बिनाई भी मुतासर होती है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि बच्चों में इस बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए हम क्या हिकमत अमली अपना सकते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए छोटे बच्चों की, तो अमूमी तौर पर छोटे बच्चे अपने वालदैन की आदतों को पिक करते हैं। ऐसे में वालदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने और कोशिश करें कि बच्चों के सामने मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स यानी टीवी और कंप्यूटर कम या ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा वालदैन के लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके इस्तेमाल के हवाले से ख़ुद को एजुकेट करें ताकि उनके पास अप टू डेट नॉलेज हो, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके मुज़र असरात के बारे में ना सिर्फ ख़ुद जान सकें बल्कि अपने बच्चों को भी एजुकेट कर सकें। इस सिलसिले में एक बहुत ही अच्छा स्टेप ये हो सकता है कि बच्चों में टेक्नोलॉजी के कम इस्तेमाल को इनक्रेज करने के लिए घर में टेक्नोलॉजी फ्री जोन्स बनाने का अहतमाम करें, यानी कि घर की वो जगहें जहां मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल मना हो। मिसाल के तौर पर डाइनिंग रूम, जहां सिर्फ फैमिली के साथ खाना खाने और बातचीत करने के लिए वक्त गुजारा जाए। इसके साथ ही ऐसे टाइम को सेट कर लें जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना मना हो। इसके लिए बेहतरीन टाइम खाना खाने और सोने से 1 घंटे पहले का है। आप बच्चों को बताएँ कि इन मुकर्रर अवकात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ पे ख़ास तौर पर नज़र रखें कि आपके बच्चे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, ताकि किसी किस्म के गलत मवाद पे बच्चों को रोक सकें और उनको एजुकेट कर सकें। बच्चों के अंदर ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग के नुकसानात की आगही पैदा करें, क्योंकि अगर बच्चे इस मामले में एजुकेट होंगे तो वो आपके बनाए गए रूल्स को फॉलो करेंगे। बच्चों के अंदर दूसरी एक्टिविटीज़ को इनक्रेज करें, मसलन फैमिली के साथ वक्त गुजारना, हेल्प करना और आउटडोर गेम्स खेलना। COVID-19 के इन दिनों में अपने बच्चों को इंडोर्स गेम खेलने पर भी इनक्रेज किया जा सकता है, जो कि आसानी से घर के अंदर खेली जाती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।